नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम रमो आयारम नमो अध्यायारम रमो लोए सवसाहूरम शुद्धात्मानमणिकान्तम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम कर सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयच्छासनम अवर्गा भव्यानाम शुद्धे स्वात्मने पुने बक्षे नियम सारस्य बच्चुं तात्पर्य संगीताम कायायी पर द्रव्य कायायी पर द्रव्य थिल भावम परिहरत्तु अपानम पश्वावे प्रणुषद्धम सो जायाई लिब्यप्पी गया कायायी पर द्रव्य थिल भावम परिहरत्तु अपानम तस्य तवे तनुषग्गम कायाज पर द्रव्य शरीर आज पर द्रव्य शरीर क्या है पर द्रव्य और पर द्रव्य का अर्थ होता है स्वद्रव्य नहीं है शरीर आदि पर द्रव्य है वे कैसे हैं काया आज सही आज पर द्रव्य है स्वद्रव्य नहीं है इनको हमने स्वद्रव्य मान लिया है वस्तुनिष्ठ कथन की अपेक्षा दिखाया है तो चाहे स्वद्रव्य हो या पर द्रव्य हो प्रत्येक द्रव्य द्रव्य रूप कर सर्वथिर पर्याय नया कौन द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए तो सर्व स्थिर है पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो कोई स्थिर नहीं लेकिन वैराग्य प्रधान शैली से देखा जाए तो क्या कहेंगे काया अधिक पर द्रव्य है इनमें स्थिर भाव छोड़ना चाहिए मन स्थिर नहीं है ये काया पर द्रव्य को यहां नहीं कह रहे काया क्या है पुद्गल की पर्याय है धन क्या है पुद्गल की पर्याय है मकान क्या है पुद्गल की पर्याय है ये सब पर्याय है द्रव्य कौन तुम्हें दिखाई देता है ये हार है ये कड़ा है कुंडल है ये मुकुट है ये दिखता है सोना कौन देख रहा है सोना तो देखने वाला देखेगा पार की अनुभवी योरी कायाधिक परद्रव्य और परद्रव्य हो या स्वद्रव्य हो द्रव्य दृष्टि से सर्व थिर है और पर्याय दृष्टि से कोई थिर नहीं है पर्याय दृष्टि से आत्मा भी अस्थिर है विनाशिक है अध्रुव है पर्याय सिद्ध भगवान की भी बदलती है और द्रव्य निगुदिया का भी नहीं बदलता द्रव्य पुद्गल भी नहीं बदलता पुद्गल पुद्गल है लेकिन जो पुद्गल अस्थिर है इसका मतलब है पुद्गल का संयोग अस्थिर है तुम्हें पुद्गल की प्रत्येक पर्याय अस्थिर है परिणमन विनाशी है
आपने पढ़ा होगा द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, प्रलय होगी तो भी छह द्रव्य ही रहेंगे। प्रलय काल में भी कोई छह द्रव्य के पांच द्रव्य या चार द्रव्य नहीं रह जाएंगे, पुद्रव्य का भी नाश नहीं होगा। जीव का नाश तो बहुत दूर की बात है, पुद्रव्य का भी नाश नहीं होगा। परद्रव्य अस्थिर है, इसका मतलब है इनका संयोग अस्थिर है। आज है कल नहीं है, शरीर की अवस्था भी निरंतर बदल रही है। और नहीं तो बचाओ, सोचो बचपन से बुढ़ापा कब आ गया, बचपन से बुढ़ापा कैसे आ गया, कब आ गया। एक एक समय में पर्याय बदली है और बदलते बदलते आ गया बुढ़ापा। आया रे बुढ़ापा मानी, सुध बुध विसरानी, आखन झरे पानी। बुढ़ापा देखते देखते आ गया। किसी दिन इस पर्याय में आए थे, अब यहां से चलने की बारी आ गई। कभी गाड़ी में बैठे थे, अब उतरने की बारी आ गई। अपना सामान फैल पड़ा सो फैल पड़ा, समेट लो पहले। सामान माने क्या, अपना उपयोग समेट लो। उपयोग अगर समेटे नहीं तो उतर कैसे पाएंगे एक मिनट में। फिर तुम कहोगे हमारा वो रह गया, हमारा ये रह गया। संभाल लो, समेट लो, ऐसे अपना उपयोग संभाल लो और समेट लो। कायोत्सर्ग तो रोज करते हैं आप, और मुनराज के जीवन को देखें चाहे श्रावक के जीवन को देखो, जिर्माणी पढ़ने तक कायोत्सर्ग किया है। जिर्माणी पढ़ने के बाद भी कायोत्सर्ग करते हैं, लेकिन छोटेपन से हम ये समझते हैं नौबार अलंकार मत पढ़ना कायोत्सर्ग हो गया। और धीरे धीरे बहुत से लोग तो नाम ही भूल गए कायोत्सर्ग का, नौबार अलंकार मत पढ़। अर्थ कुछ नहीं मालूम, न पूछते हैं न जिज्ञासा है कुछ, बस ये है कि हम जानते हैं। जैन दर्शन में अंधश्रद्धा का कोई स्थान नहीं है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना चाहिए। कोई क्या कहेगा, इतनी छोटी सी बात इनको नहीं आती। अरे नहीं आती तो कोई कह लेगा, आ तो जाएगी कम से कम। हे इतने बड़े हो गए इतनी बात नहीं आती, समझते कायुसर का, और छोटे से कर रहे कायुसर। तो भैया नहीं आती है, कोई कहेगा, जे कहेगा बच्चा मान लो तुमको नहीं समझ में आती इतनी बात, तो कह लेगा लेकिन समझ में आ जाएगी। लेकिन जीवन भर अज्ञानी रहना मंजूर है, ये मन कथा पूछने नहीं देती, सुनने नहीं देती। और पूछना स्वीकार नहीं है कि नहीं आती तो पूछ लेगा।
कितना अन्याय है। हम पूछें तो बताओ मत, जवाब बन पूछो मत। पहले तुम ही पूछ लो, नहीं आ रही तो पहले तुम ही पूछ लो। क्या अर्थ है कायम सर का? यहां नौ बार पंच परमिष्टि भगवंतों को कहीं याद करते हैं, ये उंगलियां चलाने का काम चलेगा। सोचो इसका नाम कायोत्सर्ग क्यों है? आत्मघात में और कायोत्सर्ग में क्या अंतर है? क्या प्रयोजन है? कछ रूढ़ी की या पूरी हो गई, काम खत्म हो गया। हम छोटे हैं, छोटा बच्चा भी ऐसे ऐसे कर ले वो बस अपने बस हो गए, और तुम्हें धोख रही तुम्हारे धोख दे, और वही हाल हमारा रहे तो क्या मतलब होगा? अभी हमारा बचपन बीता नहीं क्या? शरीर का बचपन बीता है, क्या प्रयोजन है, क्या व्यवहार है, क्या निमित्त निमित्त संबंध है नौ बार ओंकार मंत्र पढ़ने में और काय स्वर्ग में? जिस प्रकार पंच परमिष्टि भगवान काया के ममत से रहित हुए हैं, उसी प्रकार मैं भी नौ कोटि मन से वचन से काय से कृतकारिक अनुमोदना से, जिस प्रकार पंच परमिष्टि भगवान नौ कोटि से काया के बमत से रहित हुए हैं, काया सिर्फ भावों से रहित हुए हैं और रहित होने का प्रयास कर रहे मुंडा है, उसी प्रकार मैं भी कब काया सिर्फ भावों से रहित हूं? कायोत्सर का मतलब ये नहीं है काया का उत्सर कर दे, काया का नाश कर ले, वो तो आत्मघात है। कायोत्सर का मतलब है काया के ममत्व के प्रति का जो ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव का भाव। किसी से हुआ है काया के प्रति ममत्व का भाव कि हाँ हुआ है, हो रहा है? अगर नहीं हुआ है काया के प्रति ममत्व का भाव, तो भगवान भगवान कैसे बन गए? ये मुनीश्वरों को ठंड क्यों नहीं लगती? जंगल में भी भय क्यों नहीं लगता? वेद विज्ञान का ही तो ये महात्म है। सोसम महिमा ज्ञान तनी, ये ज्ञान का ही महन है। क्या ज्ञान है? कि देह हम नहीं है, देह की अवस्था मेरी अवस्था नहीं है। जंगल में भी निर्भय बैठे, अरे जिसे शेर खा जाएगा वो मैं नहीं हूं, और मुझे शेर कभी खा नहीं सकता, देखा ही नहीं सकता। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं मैं तो। इस तत्व ज्ञान के बल पर निर्भय हैं, मैं कोई बंधु वालों नहीं पहली बार बैठा है। तुम्हें भय काय का है? सुना है तुमने दृष्टांत? एक बाबा जी जा रहे थे, शाम का समय था, पीछे से शिष्य चला, साथ साथ चल रहे, शिष्य के सिर पर पोटरी है। बाबा जी कह रहे बेटा जल्दी आ, भय लगा तो डर लग रहा हो। एक बार दो बार तीन बार शिष्य ने सोचा क्या गड़बड़ है मामला, कि बाबा जी ने कभी लघु शंका करें तुम चलो हम आ रहे। बाबा जी थोड़े आगे बढ़े, उन्होंने उस पोटरी को देखा, उसमें था सोना फोना जो कुछ भी होगा, उठा करके कुएं में पटक दिया और चल दिया।
बाबा जी अपनी आदत के तरह फिर बोले, बेटा भय लगता है, डर लग रहा है कि डर तो हमने कुआ में पटक गए, अब मत डरो। काय कर रहे संयोग कोई ले न जाए, शरीर का कोई घात न कर दे, कोई बीमारी न हो जाए। आत्मा निष्कंप है तो आत्मा का आश्रय करने वाला भी निष्कंप होगा। आत्मा निर्भय है तो आत्मा का लक्ष्य करने वाला भी निर्भय होगा। हमको कछु भय नहीं, जान लियो संसार जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। नीचे भेद कछु भी नहीं, भेद गिन संसार हमको कछु भय नहीं। भय तो कुएं में पटक दिया। जिस काया में रोग होते हैं, जिस काया का वियोग होता है, जिस काया के संयोग का नाम जन्म और जिस काया के वियोग का नाम मरण है, उस काया को हमने अभी ही भिन्न जान लिया है। प्रागेव भिन्नम सदैव भिन्नम, हिंदी बोलो, काया आत्मा से पहले से ही भिन्न है, सदाकाल भिन्न है, सर्वथा भिन्नम सर्वथा भिन्न। जिस समय तुम अपना मान रहे हो उस समय भी वह भिन्न ही है, और केवल काया ही भिन्न नहीं है, समस्त परद्रव्य भिन्न है, और परद्रव्य के लक्ष्य होने वाले तुम्हारे विकारी भाव जिन्हें प्रभाव कहते हैं वे भी भिन्न है। तुम्हारा चेहरा भिन्न है, लेकिन दर्पण में जो तुम्हारे चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वह भी भिन्न है। गियाकार गिये तो भिन्न है ही, लेकिन वो गियाकार इतनी भीड़ दिखाई दे रही है उसमें, क्या खंडित हो गया कि है दर्पण की स्वच्छता, दर्पण का रूप क्या खंडित हो गया है? दर्पण में पड़ोसी का घर झलक रहा है सामने वाले का, लेकिन पड़ोसी का घर घुस गया है क्या? वो कोई सड़क है, तुम्हारी दुकान पर एक दर्पण लगा और उसमें आने जाने वाले वाहन सब झलक रहे, क्या सड़क है तुम्हारी दुकान से उसमें घुस गए? ध्यान रखो, वाहन तो अभिन्न है, वाहन झलक रहे हैं जो, उस वाहनों का कुछ नहीं होने, वह दर्पण की रचना है, दर्पण की स्वच्छता को वे दर्शा रहे हैं। वे वाहनों के आकार नाना प्रकार के, वे आकार भी दर्पण से भिन्न है, उन आकारों के कारण भी दर्पण में किंचित मात्र विक्रिया नहीं होती, क्रिया माने विपरीत क्रिया नहीं होती। देवाभर विक्रिया की बात नहीं कर रहे, एक साथ अनेक रूप बना देगा, किंचित मात्र भी विक्रिया नहीं होती। कितना पानी बरस जाए दर्पण गीला नहीं है, कितनी आग लगे दर्पण गर्म नहीं है, कोयला झलके काला नहीं है, पीला सोना झलके पीला नहीं, दर्पण दर्पण है। यज विद्या दर्पण आए थे, ज्ञान का भी स्वरूप दर्पण के समान है। सारा लोक का लोक झलकता है, लेकिन लोक का लोक उसमें प्रविष्ट नहीं होता,
रूका लोक उसमें झलकते हुए भी कुछ भी विक्रिया नहीं करता। भगवान तुम्हारे दुख को जान रहे हैं लेकिन तुम्हारे दुख से दुखी नहीं हो रहे। वे अपने आनंद का वेदन कर रहे हैं, तुम्हारे दुख को जान रहे हैं। थाली में क्या रखा है तुम जान रहे हो और मिर्ची खाकर के शिकारी कर रहे हो, दोनों एक साथ हैं कि नहीं? थाली में लड्डू रखे हैं वो तुम देख रहे हो और मिर्ची खाकर के शिकारी भर रहे हो, लड्डू खा लिए तुरंत। क्यों जानते हो लड्डू खाने से मिर्च का तीखापन दूर होगा, लड्डू का स्वाद ऊपर आ जाएगा, कम नहीं हो जाएगी मिर्ची। सब्जी में कभी मिर्ची ज्यादा पड़ जाती है, ये बाइयां घी डाल देती है, उसमें नमक ज्यादा हो जाता है खटाई डाल देती है, खटाई ज्यादा हो जाए नमक डाल देती है। कोई कम थोड़ा ही हो गया नमक उसमें भी, नमक तो उतना का उतना ही है उसमें है। नमक का स्वाद ऊपर आ गया तो खटाई का स्वाद डल गया, बस ये है और कुछ नहीं। मिर्ची खाने से तुम्हें यहां जलन पड़ने लगती, ही पहले पहुंच गया जलन खा नहीं, अभी बस इतना है और कुछ नहीं, बात बाकी मिर्ची तो उतनी है। मिर्ची कहीं उसमें से निकल नहीं गई, कायादिक परद्रव्य शरीराद परद्रव्य, बड़ा सुंदर शब्द है कायोत्सर्ग, लेकिन ये नास्तिवाचक शब्द है और शब्द का सीधा शब्दार्थ नहीं लगा है। कह रहे थे भैया वो नदी हो तो नदी में सोने नहीं रहते हो, एक बात कही थी तुमसे और दूसरी कही थी, कमल कहाँ होते हैं जल में, दे दे कहूं तुमने, जल में कमल होते नहीं, वो जल से बाहर कमल होते हैं, पत्थर पे कमल थोड़ी होते हैं, जल में ही होते हैं, सही है, लेकिन कमल कभी जल पर नहीं होते। जल के भिन्न कमल है, कमल जल से ऊपर ही होते हैं। वो कमल कैसा जो जल में डूब जाए, कितनी पानी बरस जाए, कितनी बाढ़ आ जाए उसमें, कमल नहीं डूबेगा। तुम भले डूब जा लेकिन कमल नहीं डूबेगा, जलते भिन्न कमल है। विश्व में डूबता नहीं है, विश्व के ऊपर तैरता है भगवान आत्मा। विश्व में ऊपर तैरता है इसका मतलब है विश्व से भिन्न रहता है, सही है। संयोग से देखा जाए तो जल कमल जल में ही है, लेकिन स्वभाव से देखें तो कमल जल में होते हुए भी जल से भिन्न है। क्या यही अवस्था अपनी नहीं है? आत्मा कहाँ है कि शरीर में, शरीर में पोस्ट मार्टम में निकाल, कहाँ निकला? आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर में भिन्न है, शरीर से अत्यंत भिन्न है, शरीर में नहीं है आत्मा, शरीर से बाहर है नहीं और शरीर में है नहीं। मिश्री कहाँ है? डिब्बा में, डिब्बे में मिश्री है, ऐसे निकाली, जो निकाली जा सकती है और रखी जा सकती है वह उसमें कैसे हो गई? डिब्बे का कोई भी परमाणु मिश्री रूप नहीं हुआ और मिश्री का परमाणु कोई
जब भी रूप नहीं हुआ। कहाँ है गुरु, एक बार तो बोलो भाई, मिश्री मिश्री में है, मिश्री मिश्री में है, ये स्वभाव दृष्टि है, और मिश्री जब्बे में है, और इस जब्बे में है, इस जब्बे में नहीं है, ये व्यवहार है। मिश्री मिश्री में है, इतना कहने के बाद भी अमृतचंद स्वामी को संतोष नहीं हुआ। मिश्री से भिन्न कौन सी मिश्री है जिसमें वो मिश्री है? कलई किसकी है? कलई कलई में है, कलई दीवाल में नहीं है। थोड़ा उसको इसके भीतर कलई के भीतर सफेद कलई के भीतर दीवाल कैसी निकलेगी? जो है वही निकलेगी। घर सीसी की दीवार है तो सीमेंट कंक्रीट निकलेगी, और ईंट की दीवार है तो ईंट निकलेगी उसमें। इसका मतलब है कि दीवार कलई रूप नहीं हो गई है, कलई कलई में है। आचार्य देव कहते अभी संतोष नहीं हुआ उन्हें, ये क्या बड़ी बात है, कलई की कलई। तो आचार्य भगवान प्रश्न करते तुमसे, तुम ये बताओ कौन सी कलई से भिन्न ऐसी कौन सी कलई है जिसकी ये कलई है? कलई खोल दी उनकी, कलई से भिन्न ऐसी कलई वो तो भिन्न ही हो गई। जो जिसका होता है वह वही होता है। कलई से भिन्न ऐसी कोई कलई नहीं है जिसकी यह कलई है, तो फिर क्या है कि कलई कलई ही है, ज्ञायक ज्ञायक ही है। काया में शरीर आत्मा, शरीर में आत्मा, क्या आत्मा अपने प्रदेशों में है? एक क्षेत्र बगाड़ी है, लेकिन एक क्षेत्र वाले नहीं है, दोनों की क्षेत्र अलग अलग है। शास्त्रीय बात है ये, दोनों के क्षेत्र आकाश की अपेक्षा एक है, एक क्षेत्र उगाड़ी। जैसी तुम भिन्न मान करके स्वच्छंद होते हो ऐसा भिन्न नहीं है, और जैसा अभिन्न मान करके तुम मोही होते हो ऐसी अभिन्नता नहीं। काया काया में है, जीव जीव में है, जीव में काया नहीं है और काया में जीव नहीं है। दोनों का की सत्ता न्यारी है, दोनों का स्वरूप न्यारा है, दोनों का पर्णमन न्यारा है, दोनों का भाव न्यारा है। रब चेत काल भाव नारे अलग अलग। काया के विकृत होने से आत्मा में विकार नहीं होता। आत्मा में विकार हुआ है वो तेरी मोह है। मतलब क्या है, आत्मा में जो विकार होता है वो आत्मा को भूलने के कारण हुआ है। आत्मा अविकारी तत्व है, अविकारी आत्मा को भूले इसलिए विकार हुआ है। काया में विकार होने से आत्मा में विकार नहीं होता। शीश जलता रहता है, शरीर जलता रहता है अग्नि में, और वे योगी निर्मल योगी स्वर बैठे रहते आनंद में मग्न। ए जले जा रहे मरे जा रहे कुछ नहीं, इनको जन्म मरना तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी जरूरी है। मरे जाए या तो बहुत गर्मी है, ये मत देखो, ये देखो गर्मी मेरे में नहीं है। यहां से कहा हो गया अब गर्मी तो रही, यहां इससे तुझे दुख मिट जाएगा तेरा। गर्मी नहीं मिली आएगी, थर्मामीटर से नापाओगे तो वही टेम्परेचर आएगा उतना ही, लेकिन गर्मी से होने वाला, गर्मी के लक्ष्य से होने वाला दुख मिट जाएगा। वो दुख ही मिटाना तुझे इच्छा है,
गर्मी मिटाना इष्ट नहीं है। गर्मी को कौन मिटाए, सर्दी को कौन मिटाए, जो है सो है, वस्तु का ये परिणमन है। काया उत्सर्ग का मतलब है काया का उत्सर्ग, शब्द का अर्थ नहीं है, काया के प्रति होने वाले ममत्व का उत्सर्ग मान्यता, काया के प्रति होने वाले ममत्व का त्याग, ये है काय उत्सर्ग। और ममत्व का त्याग ज्ञानाभ्यास से होता है। क्यों? ममत्व ज्ञान के अभाव में हो गया है, होता नहीं रहा वो वस्तु जैसी जैसी हम मान रहे। जीव आत्मा नहीं, वो क्या नाम, जीव शरीर नहीं हो गया और शरीर जीव नहीं हो गया, दोनों भिन्न भिन्न है। मान लिया, मान लो तुम दुखी हो गए, हमें क्या, नहीं मानो भिन्न भिन्न मानो तुम सुखी हो जाओ, लेकिन बहुत भिन्न भिन्न ही रहेगा। इसलिए बहुत सुंदर शब्द लिखे अमृत कुमकुम स्वामी ने इस गाथा में, काया पर द्रव्य फिर भावम परिहर्तो, फिर भावम परिहर्तो। बोलो क्या करे, काया दिख ये ऐसी बनी आई इस जमाने के जोश में मत रहो, इस अभिमान में मत रहो, ये हमारी विभूति ऐसी बनी रहेगी, ये शरीर ऐसा बना रहेगा। सुनते हैं वो कौन प्रमाण था, संकल्प पर पांव रख दिया, आगे इंजन चलता रहा, बढ़ नहीं पाया, शरीर में इतना बल, और अंत में मक्खी नहीं उठा हला सका, कहां गया वो बल। विश्वनंदी ने पेड़ को उखाड़ करके आ जाओ, और फिर जरा से बैल के धक्के से गिर गए। अंत में विशाख नंदी ने बोला, कामयाब है तुम्हारा बल, के थिर नहीं है, अस्थिर है, फिर भावम परिहरित। इनमें स्थिर पने की भाव को छोड़ो, इनको स्थिर मत मानो, इनको स्थिर मत समझो, और स्थिर मान जान करके नाना प्रकार की कल्पनाएं मत करो। तुमने सुना है वो तेल का घड़ा आयुक्त ने कहा, भैया जी हमारा घर पहुंचा दे, कि हाओ, उसने तेल का घड़ा ले लिया और चल दिया फेंक चिल्ली। अब घड़े को सुरक्षित पहुंचाने के बाद उसको पैसा मिलते तब आगे की बात चलती, लेकिन वो तो अपनी कल्पना में उधेर लगा है ना, घड़े पहुंचा दूंगा तो पैसा मिलेगा, फिर बकरी खरीदूंगा, फिर वो खरीदूंगा, फिर भैंस खरीदूंगा, फिर विवाह करूंगा, फिर बुजे करूंगा, फिर लात मारूंगा, लात मार दी बने लड़ा गिर गए। क्या किया तुमने, इतना नुकसान कर दिया मेरा। अरे तुम्हारा तो इतना ही नुकसान हुआ, हमारा तो बनो बनाओ महल बिगड़ी हो। हमारा मतलब ये है, जिसके आधार से कल्पना कर रहा है वो ही भ्रो नहीं है तो वो कहां से धोगो। तुम्हें याद है क्या कहा था, जब जिस नाम से रजिस्ट्री है वो नाम ही तुम्हारा नहीं है तो वो जमीन तुम्हारी कैसे होगी। जब नाम ही तुम्हारा नहीं है तो वो नाम, हमारे नाम रजिस्ट्री है तो तुम्हारा नाम ही नहीं, ये तो कई और को नाम है। तुम अपना निवास स्थल शुद्ध जीवास्तिका को अलग से ढूंढो,
ये तुम्हारा निवास नहीं है क्या? हमारे साम नाम रहिसरी है। अरे नाम ही तुम्हारा नहीं है, हम यही तो कह रहे हैं। अगर तुम्हारा नाम कुछ और होता तो इससे क्या फर्क पड़ जाता? अरे कोई भैया कह रहा है, कोई चाचा कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, क्या फर्क पड़ जाए तुम पे? तुम तो जो होश हुई हो, कोई चाचा कह रहा है, कोई भैया कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, कहने दो। तुम तो जो होश हुई हो बिना नाम के, एक सन की राजा था। एक बार उसने बुला लिया सबको, आया और साधारण से गेहूं ले लिए। उन्हें कहा क्या है ये है क्या? अब गेहूं का नाम बताना था। संस्कृत में गेहूं को गोमय अलग कहते हैं और हिंदी में गेहूं को अलग कहते, उर्दू में गेहूं को अलग कहते, अंग्रेजी में गेहूं को अलग कहते, कुछ नाम अलग होगा। जितनी भाषाएं उनके अलग अलग नाम है, जितनी जगह है वहां अलग अलग नाम है। जनपद सत्य होता है, जनपद सत्य माने कोई चीज कहां किस नाम से पुकारी जाती। अब वे सोचने लगे जी साधारण सी चीज है, उसका नाम पूछ रहे राजा साहब, तो कुछ बात तो होगी। साहब कल बताएंगे, एक दिन की मोहलत दे, ठीक है। अरे उन्होंने क्या किया, गेहूं ले आए, क्या है कि साहब जी जुए सोई जे है, जो जो है सोई जे है। जब वस्तु सामने है तो नाम में क्या करो है? जोहरी बोले वस्तु, अरे सोना कहें क्या गोल्ड कहें, बस का फर्क पड़े? नहीं, गोल्ड कहने से कोई और कुछ हो जाएगा और सोना कहने से कुछ और हो जाएगा, वाटर कहने से और हो जाएगा, पानी कहने से और हो जाएगा। काया से तेरे पूजन की सिद्धि कभी नहीं होगी। काया के लक्ष्य से, काया के आश्रय से तेरे प्रयोजन की सिद्धि कभी नहीं होगी। सरल भाषा में बोलो, ये भी भाषा सरल ही है लेकिन और सरल भाषा में बोलो, काया के लक्ष्य से तू कभी सुखी नहीं होगा, पर के लक्ष्य से कभी सुखी नहीं होगा। ये जीव स्थान बदलता है, वेश बदलता है, क्रियाएं बदलता है। आचार्य भगवान कहते उपयोग बदलो, और पहले एक बार चर्चा की थी तुम्हें, जिस समय तुम इतने कमजोर हो जाओ शरीर की ओर से, करवट नहीं बदल सकती अपना, कोई करवट बदलवा तो बदलो, उस समय भी उपयोग बदलने के लिए स्वतंत्र। उस अवस्था में भी उपयोग बदलने के लिए, समाधि करने के लिए स्वतंत्र। ये शरीर रोग रूप परिणमित करने के लिए, होने के लिए स्वतंत्र है, और ऐसे रोग रूप जिसका कोई प्रतिकार नहीं है, ने प्रतिकारे, ऐसे अवस्था के लिए अगर शरीर स्वतंत्र है तो हम भी शरीर से भेद ज्ञान करते हुए आनंद पूर्वक देह को छोड़ जाने के लिए स्वतंत्र है। हम जे चले, पंडित बनारसी दास जी की कैसी अवस्था हो गई थी, कह नहीं पा रहे थे कछ, बोल नहीं पा रहे थे, बोल बंद हो गया, लोगों ने अपनी अटकलें लगाना शुरू किया,
इनके प्राण माया में लटके हैं, जब तक इनके माया नहीं मिलेगी। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव इनने देखे हैं, इनके प्राण माया में अटके हैं, माया नहीं जब तक मिलेगी नहीं, तब तक इनके प्राण कौन छूट पाएंगे। अब बनारसी आशी सुन तो रहे, बोल नहीं पा रहे, तो उन्होंने सेठ मंगाई, इशारा किया, उस स्लेट पर लिख दिया, ज्ञान कुतक का हाथ मारे अरे मोहना, प्रकट रूप स्वरूप अनंत जो सोहना, जा परिवार को अंत सत्य कर जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। बनारसी दास ये चले, ज्ञान कुतक का हाथ तुम का कह रहे हो, माया में प्राण अटके, लड़का में प्राण अटके, लड़की में प्राण अटके, यहां प्राण काय में अटके, अटके है माया में अज्ञान में, ज्ञान कुतक का हाथ मारे अर मोहना, प्रकट रूप स्वरूप अनंत जो सोहना, जा परे को अंत सच कर जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। अनुभूति बदल जाती है सींग थोड़ी निकल आती है, कुछ यानी कि कोई सींग निकल आए, अनुभूति बदल गई, और अनुभूति बदल गई तो भैया दृष्टि बदल, सब कुछ बदल गया, निगाह बदल गई। पुराने लोग कहते साहब न कृपा दृष्टि बना रही हो, आपकी निगाह से ही हम जी रहे हैं, कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम भी बोल देते व्यवहार की भाषा में, तुम्हारी में सुदस्त जब उतरत है पार, बोलो। हम भी व्यवहार न ऐसे निमित्त निमित्त संबंध की अपेक्षा बोल देते कि नहीं बोलते, तुम्हारी में सुदस्त जब उतरत है पार, हा हा डूब हो जाते हूं नेक निहार निकाल। सोचो काया जो परद्रव्य है उनमें हमारा स्थिर भाव हो गया है, माने हम उसे ऐसा मानते स्थिर है, मालूम है तुम्हें। राज्य सी का बच्चा वही चाचा को संरक्षक बना दिया, मंजू भोज राजा था ना, छोटा था राज संभालने लायक नहीं है, तो मंजू को संरक्षक बना दिया। एक दिन उसकी नियत में खराबी आ गई कि ये तो बड़ा होकर के अपना राज्य ले लेगा, अरे तो अपने ही का ले लेगा, हम थोड़ी डरेगा। सोचो तो उसको बड़ा विजमना आई कि जी तो हम बड़ा होकर के राज्य ले लेगा, हमें कौन पूछेगा, हमें कौन पूछेगा, ये तुम राष्ट्रपिता हो जाओगे, तुम्हें कौन पूछेगा, ये चिंता कर रहे हो तुम। लेकिन अज्ञानी को ये संभाल कैसे आती है। आपको एक बात बहुत सुंदर पहले ही कह दी, अगर जीवन का आनंद लेना हो तो जीवन का मोह छोड़ देना, जीवन का आनंद लेना हो तो जीवन का मोह छोड़ देना। मोह छोड़ करके आनंद लिया जा सकता है, मोह रख करके जीवन का मोह होगा तो कलेश होगा, आनंद नहीं होगा। समुद्र के तूफान का दृश्य समुद्र के किनारे खड़े होकर के देख पाओगे क्या, समुद्र में घुस करके देख पाओगे। समुद्र के तूफान का दृश्य एक देखना है तो किनारे होकर के अपना कैमरा लगा लो, देख लो जो कुछ भी देख रहे, और समुद्र में घुस के देखेंगे, घुस के देखिए और खींचे लगे मरे मरे मरे। काया की अवस्था देखना हो तो अपने में बैठ करके देखा जा सकता है, काया को काया में मोह करने वाला काया को नहीं जानता, उसको तो ये लगता है मैं मर रहा हूं।
भेद ज्ञानी जीव ज्ञाता दृष्टा जीव, शरीर का भी तमाश ही रह ज्ञाता है। उसने सोच लिया काया के छूटने से मैं थोड़ी, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो, हम तो यहां रहेंगे तो अपना आत्मा के आश्रय से धर्मयान करेंगे और जहां जाएंगे वहां आत्मा के आश्रय से धर्मयान करेंगे, हमारे धर्मयान में क्या बिघ्न है, हमारे आनंद के भोजन में काया का रहना और काया का छूटना क्या काम का, बगल में मिर्ची रखी है उसे क्या फर्क पड़ता है, मिश्री डिब्बे से बाहर थी तो भी मीठी थी, डिब्बे में तो भी मीठी है और डिब्बे से निकालने तो भी मीठी है, क्या फर्क पड़ता है उसे। अरे अचेतन भी जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो चेतन अपना स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव कैसे छोड़ेगा। तेरे दुखों का कारण काया के प्रति ममत्व है, काया के प्रति ममत्व को छोड़ करके काया में के तमाशगीर बन करके अब आनंदित हो, अब सुखी हो। काया ही पर द्रव्ये, कायाधिक पर द्रव्यों में फिर भावम परिहरत्तु अपानम तस हवे तनु सग्गम जो झायण, जो कायाधिक में पर द्रव्यों में स्थिर भाव को छोड़ करके, स्थिर भाव को छोड़ करके माने स्थिर ऐसी मान्यता को छोड़ करके, फिर भाव को छोड़ करके अथवा स्वभाव को छोड़ करके, ये मेरे हैं ऐसा भाव छोड़ करके, स्वपना छोड़, इनको अस्थिर जान करके, इनको भिन्न जान करके जो आत्मा को ध्याता है उसे कायोत्सर्ग होता है, जिसे कायोत्सर्ग होता है उसे परम सुख होता है, जिसे काया के प्रति मोह होता है वह दुखी होता है। मुवे संग रहे वो कुछ बहुत कुछ हुए मगर आज निर्गुण निरंजन, मेरे हाथ संन्यास की यह घड़ी, मेरे हाथ संन्यास की यह घड़ी आई मुझे है मिली ये अद्भुत जड़ी, संन्यास की घड़ी आ क्या आई है, अद्भुत आनंद का प्रसंग आ गया हमारे। निर्ममत्व व्यक्ति को ये आनंद का भोजन हो सकता है, काया में ही जिसका ममत्व बड़ा है वह आनंदित कैसे होगा। वो तुझे कहे भैया मर रहे हैं, लड़का बुला दियो, लड़की बुला दियो, क्या करेगा वो, इस शरीर के संबंधियों को याद करेगा, इस हमारी माया का क्या होगा, जायदाद का क्या होगा, संस्था का क्या होगा, अच्छी तरह रहिए भैया, अरे अच्छी तरह रहे चाहे बुरी तरह रहे अब क्या करोगे तुम, तुम अच्छी तरह जाओ। क्या कहा, ये अच्छी तरह रहेंगे कि लड़ेंगे, क्या करेंगे, बंटवारों करेंगे, क्या होगा पता का, तुम अच्छी तरह जाओ, ममता को छोड़ करके तुम अच्छी तरह जा सकते हो, ममता को रख करके, ममता को लेकर के तुम अच्छी तरह नहीं जा सकते। आया आया रे प्रसंग आनंद का, हमें क्या इस काया से लेना देना, तुम बैठ गए तो ठीक है उठ जाओ तो कछु हमें का फर्क पड़ रहा। एक पंडित जी थे, प्रवचन करते जाए लोग आते जाए उठते जाए आते जाए उठते जाए और आदत थी देर तक बोलने की। सो भैया रात के 9:45 बज गए, 2-3 लोग रह गए, बाद बाकी चले गए उठे उठ के अपने। सो पंडित जी क्या कहते थे, देखो भाई तुम्हें आनंद आ रहा हो तो नहीं आ रहा, हमें तो आनंद आ रहा, उन्हीं की हमें ये बात है
याद आ रही है कि तुम्हें आनंद आ रहे हो क्या नहीं आ रहे हो, हमें तो आनंद आ रहे हो। हम तो अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, हम कौन तुम्हें सुना रहे हो, तुम मान ली तो वाली बात है, नहीं मान ली तो नहीं बात है। बिल्कुल सही बात है, सब जीवों को निश्चय हो उपदेश दिया। कायोत्सर्ग ही सुखी होने का मार्ग है, ऐसे कायोत्सर्ग का परमार स्वरूप आचार्य भगवान कुंज कुंज स्वामी ने यहां स्पष्ट किया है। काया को भिन्न जानना यही कायोत्सर्ग है, भिन्न जानना और भिन्न ही जानते रहना। इसका नाम कायोत्सर्ग है। और जो काया को भिन्न जानेगा वो निश्चिंत रहेगा, निर्भय रहेगा, उसको कोई प्रकार का भय नहीं सता है। विचारना वाणी भारती तो जपो दिल जो तेरी करना गए तो पावे सुख से ज्ञान से सूझे लो कालो तो वाणी मैं सकनो। Thank you.